21 जून इस दिवस को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। इसका संपूर्ण श्रेय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराया। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पूरा एक मास 21 मई 2017 से 21 जून 2017 तक एक मास तक चलने वाले इस निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सरोवर परिसर में 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें 500 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। इसके साथ साथ माउंट आबू के SDM श्री सुरेश कुमार ओला जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेश थिंगर जी एवं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन, चंद्रिका बहन, शशि बहन एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मिट्टा जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा और आयुष मंत्रालय के डायरेक्शन से यहाँ इस प्रोजेक्ट का 1 महीना ये कार्यक्रम चलेगा, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कई भाई बहनों को, विभिन्न लोगों को, विभिन्न जाति के लोगों को शारीरिक योग और मानसिक योग और राजयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। योगा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक स्वप्न है जो योग प्राचीन भारत में, जिसने इंडिया को पूरे विश्व भर में ख्याति दिलवाई थी, वो कहीं खो गया था, लेकिन सरकार के दोबारा इसे एक नया जीवन दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जितना शरीर स्वस्थ रहता है उतना ही अच्छा अपन कार्य कर पाते हैं, और इसी दिशा में एक और कदम सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, जिसमें बहुत ही कम खर्चे पर अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा एक अच्छा जीवन अपन जी सकते हैं, और ये उसी की एक क्रिया है। मैं ब्रह्म कुमारीज की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और इस महीने भर के पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दूंगा। आप सभी से भी मेरा ये निवेदन है कि जितना लाभ आप उठा पाएं उतना आप अवश्य लें। जय हिंद, जय भारत। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है, और इस कार्यक्रम को लेकर आपने जो एक माह के लिए आज का जो प्रारंभ किया, जो 21 जून तक, ब्रह्मा कुमारी संस्था का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस योगा दिवस को और तेज गति से आगे बढ़े इसके लिए एक माह के लिए इस कार्यक्रम का जो आगाज़ किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तो लक्ष्य ये है, केवल योग एक क्रिया ही नहीं है लेकिन योगी जीवन होना चाहिए, और हम समझते भी हैं कि ये जो योग हमें विरासत में मिला है, अपनी संस्कृति में मिला है, ये योग केवल शारीरिक योग नहीं है लेकिन इसमें आहार, व्यवहार, संयम, नियम सब कुछ है। ये एक पूर्ण रूप से जीवन जीने की कला है। हम जो समझते थे कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन योग तो लंबी आयु पाने का एक साधन है। योग से निरोगी काया भी मिलती है और योग से आयु भी लंबी होती है। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। इस सृष्टि मंच पर एक अभिनेता हूँ। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जिसे मुझ आत्मा ने धारण किया है।
21 मई की शाम से ही ज्ञान सरोवर के परिसर में योगा पार्क में प्रथम ग्रुप के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें 50 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। यह शिविर 21 मई से 5 जून तक चलता रहा, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से आई ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की अनुभूति कराई। जब आप यहाँ रोज ज्ञान सुनते हैं, पाठ पढ़ते हैं, मैं आत्मा शांत हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो रोज सुनते सुनते आपके जीवन के अंदर शांति आती जाएगी, आती जाएगी। जैसे देखो, पति को याद करते करते कि बच्चे को याद करते, माँ को याद करते, पिता को याद करते, ऐसे ही जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, शिव बाबा, हमको उनको याद करना है। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हमारे अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। ज्ञान सरोवर परिसर की निर्देशिका डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने अंत में सभी को शुभ प्रेरणाएं दी एवं प्रसाद वितरित किया। हमको कौन कौन याद करते, जरा हाथ उठाना। सभी करते हैं, अभी शुरू किया है या पहले भी करते थे? कौन पहले भी करते थे, जरा हाथ उठाना। सभी करते थे। वाह, आप में से कोई बीड़ी तम्बाकू या गुटखा खाते हैं? हाथ उठाना। हाँ, तो ये भी छोड़ना है अभी, समझा? तम्बाकू नहीं खाना है, न सुनना है। दूसरा ग्रुप 5 जून से 21 जून तक चला, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए युवा भाई बहनों ने भाग लिया। योगा विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई एवं दिलीप भाई शारीरिक योग व्यायाम एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। इसके अलावा माउंट आबू जवाई गांव एवं एटम जी गांव में भी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने लगातार 15 दिनों तक शारीरिक व्यायाम और आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास कराया। हम लोग सारा दिन काम करते थे, थकान महसूस होती थी, दिमाग भी परेशान सा रहता था। जब से हमने योगा शुरू किया है तब से हम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, दिमाग में भी बहुत शांति होती है। शरीर के कई जॉइंट दर्द होते थे, अब जब से हम योगा कर रहे हैं हमें बहुत आराम मिल रहा है। अभी कुछ ही दिनों से हम लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जितने भी भाई बहन हैं वो योगा करें और अपने शरीर को रिलैक्स करें।